लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट। आठवें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के एक जीवंत उत्सव में आइए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेघालया के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी ने 10 नवंबर को कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। इस दिन को स्फूर्तिदायक योग सत्रों द्वारा चिन्हित किया गया था। एक उत्साही रैली, आयुर्वेद पर एक विचारोत्तेजक व्याख्यान और चिकित्सा के देवता श्री श्री धन्वंतरी को समर्पित एक पूजा। व्याख्यान का विषय आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ को प्रोफेसर ओपी गुप्ता सेवानिवृत्त द्वारा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। यूएसटीएम के चांसलर महबूबुल हक ने दर्शकों को संबोधित करते हुए घोषणा की कि आयुर्वेद चिकित्सा और सर्जरी बीएएमएस में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश वर्तमान में आईएएमसी में खुले हैं। आईएएमसी के प्रिंसिपल अनिल कुमार शर्मा ने रोमांचक खबर साझा की कि आईएएमसी ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अपना परिचालन शुरू कर दिया है। उन्होंने कॉलेज परिसर में श्री श्री धन्वंतरी की पहली पूजा के साथ शुभ शुरुआत पर प्रकाश डाला। दिन की शुरुआत एक ऊर्जावान योग सत्र के साथ हुई, जिसके बाद आयुर्वेद दिवस रैली निकाली गई। उत्सव का समापन पूजा गुप्ता के एक ज्ञानवर्धक भाषण के साथ हुआ, जिसमें जीवन में आयुर्वेद के गहन महत्व पर प्रकाश डाला गया। चिकित्सा के देवता भगवान धन्वंतरी की जयंती पर देश भर में मनाए जाने वाले आयुर्वेद दिवस का उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद की क्षमता का पता लगाना है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 2016 में इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया था। इस वर्ष की थीम एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, समग्र कल्याण प्राप्त करने में आयुर्वेद की अभिन्न भूमिका को रेखांकित करती है। So today is the 8th National Ayurveda Day. This day is being celebrated since 2016. This time it is for 8 times. Har Ghar Har Din Ayurveda. That is the Ayurveda for everyday, everyone. Ayurveda, yes, we have a challenge. We have to overcome it. And this is only thing is that we have to popularize. We have to reach to the people. And there is less the population density in the state of Meghalaya, and especially in the vicinity of this campus. So we have less target, we have a less commitment. It means that every family nearby of this campus must be getting the benefit of Ayurveda, Ayurvedic treatment. Ayurvedic doctor hua karne apna, you have to change your entire personality. And sometimes there may be a person come in front of you who don't even have no any single penny, or paisa nahi. So this is great contribution of Ayurveda. Ayurveda is making people for doing more ethical physician rather than professional physician. We have to take care of our farmers also. Why farmers are remembering today? लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट।